गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 11 जून को बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उन्हीं के बेटे ने की है और इस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये परिवार गाजियाबाद लोनी के बलराम नगर में रहता है। 11 जून को 70 वर्षीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर और उनकी 63 वर्षीय पत्नी संतोष की हत्या कर दी गई थी, जिसकी तहकीकात पुलिस कर रही थी कि आखिर घर में कैसे इस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई। जांच के बाद सामने आया कि उन्हीं के बेटे ने उनकी हत्या की है। दरअसल आरोपी रवि बुजुर्ग दंपत्ति की सारी संपत्ति कब्जाना चाहता था। छोटे भाई गौरव की 2 साल पहले मौत हो गई थी। माता पिता उसके बच्चों को संपत्ति का अहम हिस्सा देना चाहते थे, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने बताया है कि किस तरह से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया और कैसे पुलिस को इस पर शक हुआ। सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों, इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी संतोष, श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की ही डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी, हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और SHO लोनी बॉर्डर ने, और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोटकर उनको मार दिया था और फिर वहां से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जहां आरोपी रवि ने इस हत्याकांड का खुलासा किया, वहीं आगे की कार्रवाई भी जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद।